ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहनी तुमने? चनक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार? झनक इस सोमवार से रात 10:30 स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तू फिकर मत कर, भाई को कुछ नहीं होगा। हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा उन्हें। रावण कुमार क्या नाटक लगा रखा है ये? हाँ आपकी झांसी की रानी ठीक होकर आ गई है। मैं तो फर्स्ट आ गई हूं, आप हार रहे हो। सुन रहे हो मेरी बात? हर चीज में तो बड़ा कॉम्पिटिशन करते हो मेरे साथ। आज हार जाओगे हाँ? पर ये नहीं चलेगा। सुन रहे हो? बहुत परेशान कर दिया आपने सब लोगों को। अभी बहुत हो गई नौटंकी, जस्ट वेक अप नाउ। ये क्या लगा रखा है ऐसे शान से लेटे हुए हो, स्टुपिड से कुछ बोल नहीं रहे, एक भी ताना नहीं मार रहे। मुझे आदत नहीं है इसकी, मुझे तो वो ताने चाहिए, आपके वो वन लाइनर्स एंड स्टुपिड से जोक्स। एंड जोक्स क्रैक करने के लिए तो आपको कोई रीजन भी नहीं चाहिए होता है। कभी भी शुरू हो जाते हो बस। अरे पता है ये जो इतना ड्रामा हुआ है ना, ये ब्लोट हो गई हूँ मैं। पुत्र, आज तुम्हारी अम्मा मंदिर गई थी। पंडित जी ने बोला कि अगर भगवान का नाम 5,000 बार लिखकर जाप करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।
वो ही लिखकर जाप कर रही है। मन करे रमन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। काश मैं इससे ज्यादा कुछ कर पाती उनके लिए। कुछ भी नहीं कर पाई हूँ रमन के लिए। इस सोमवार से झनक रात 10:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तू फिकर मत कर, भाई को कुछ नहीं होगा। हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा उन्हें। हेलो जी, जीती जी, पापा को भी ओटी में शिफ्ट किया है और डॉक्टर रजत भी आ गए हैं। वो दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन है। बस सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे। हम सब प्रे कर रहे हैं और आप भी कीजिए प्लीज। आलिया सुनो, तुम स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम्हारी भी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे एक बात बताओ, अका कैसी है? वो ठीक है ना? अम्मा तो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको पता है ना वो अंदर से कैसी है। शी इज हर्ट। लिसन, मैं अच्छा और सुनो, आदि उठ गया है, मैं तुम्हें फोन लगाती हूँ। ओके ठीक है चेती। ओके अब नीलू देखो दरवाजे पे कौन है। अच्छा कुछ नहीं हुआ। हाँ ओम गुड बेबी। भैया आप आ गए, लाइए सामान में ले लेते। तुम वापस आ गए, I'm so happy। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम यहाँ नहीं थे तो क्या क्या हो गया यहाँ पर। आदि नहीं होता ना तो तुम्हें कब की हिम्मत हार चुकी होती। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। ओके नहीं मीका, हॉस्पिटल में बाद में जाऊंगा, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम है, वहां जाना। इम्पोर्टेंट काम? अभी क्या इम्पोर्टेंट काम है रोमी? काफी इम्पोर्टेंट है। See you later. दो घंटे के ऊपर हो गए हैं ना, और कितना लंबा चलेगा ऑपरेशन? बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई है? ऑपरेशन सक्सेसफुल है। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच, आई कांट थैंक यू इनफ। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो किया वो तुम्हारी ड्यूटी है ना? थैंक यू। डोंट वरी, रमन इज आउट ऑफ डेंजर और बहुत जल्दी वो आपके साथ में घर वापस जा पाएगा। ओके लेकिन क्या? लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? कुछ बोलिए। मेरे कहने का मतलब था कि आप लोग तो अब खुशी खुशी घर वापस जा पाएंगे, लेकिन लेकिन क्या? मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे अपनी बीवी को जो फेस करना है घर जाके। आफ्टर ऑल अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस बीच में छोड़कर आया हूँ भाई। बीवी का गुस्सा तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। I'm very sorry for that. मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। If you don't mind, मैं आपकी वाइफ से बात कर लूँ, मैं पर्सनली अपोलोजाइज करूँगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था आपका यहाँ आना। Relax, इशिता, I was just joking. वो मेरी बीवी है और एक सर्जन की बीवी होने के नाते वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझती है। Thank you. Don't worry, take care. Everything is all right. Okay? Thank you, doctor. Ma'am. अब आपने देख लिया ना, मिस्टर रमन बिल्कुल ठीक है। अब आप भी चलिए और रेस्ट कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मैं पहले रमन से मिलूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। नहीं मैम,
मैंने आपकी बात मानी ना, अब आपको मेरी बात माननी होगी। आप चलिए और रेस्ट कीजिए। मुझे पहले रमन से मिलना है, मैं नहीं जाऊंगी। नो मैम, आई एम सो सॉरी। आप समझाओ ना इसे। इशू, वो नर्स ठीक बोल रही है, तुमको भी आराम की जरूरत है ना करना। हाँ। और रमन के साथ हम सब है इधर, जा आराम कर लो। आराम कर बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।